राजधानी जयपुर के परकोटे स्थित बेटियों व महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी की आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष लाली जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष एहसान खान, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व पत्रकार सुरेंद्र कुमार सोनी, महामंत्री सवाना बानो, विशिष्ट अतिथि हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा, वसुंधरा राजे समर्थन मंच के जिला अध्यक्ष विजय राज शर्मा, मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र शर्मा व हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी सोनी, भाजपा कार्यकर्ता बबली जायसवाल, ललित जायसवाल, फरीद बेग, मधुसेन, विमलेश गुप्ता, महेश जायसवाल, योगेंद्र जायसवाल, फरजाना बानो, एडवोकेट राजकुमार नायक, शारदा नायक, नजीर खान एवं समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आए हुए गणमान्य अतिथियों का व पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बेटियों व महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर व समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर चर्चा की गई। उपस्थित सभी गणमान्य लोगों व महिलाओं ने अपने अपने सुझाव रखे और कहा गया कि बेटियों व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व समाज में फैल रही कुरीतियों को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये संस्था किस तरीके से महिला और बच्चों के लिए काम करेगा? ये संस्था जो भी महिलाएं पीड़ित है, ये नहीं घर में है, बाहर भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, जहाँ ऑफिस में जाके वहाँ भी होती है। मैं चाहती हूँ ये कार्य कहीं ना हो, महिलाओं को हर चीज़ की आज़ादी दी जाए, चार दीवारी में नहीं हो, बाहर भी खुले से जा सकती। आज किसी की बेटी बाहर नहीं निकल सकती 9 बजे बाद, क्यों नहीं निकलना चाहती? क्यों? लोग ऐसे दुनिया में ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को ना 6 साल की, 6 महीने की, यानी 80 साल की लेडीज़ को भी नहीं छोड़ रहे। मेरा यही मकसद है, मैं इसी आवाज़ को लेके आगे भी जाना चाहती हूँ, और मेरा यही मकसद है मैं हर वैसे आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए सर। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कार्यकारिणी में पदाधिकारी हूँ। आज के प्रोग्राम को मैं अपने इस प्रोग्राम के लेकर आज बहुत बहुत एहसान भाई की तारीफ करना चाहूँगा। एक महिलाओं के चीज सोच के प्रति इनका जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए आभारी रहूँगा। एक बहुत अच्छी पहल है ये महिलाओं के लिए। आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भी शिकार हो रही है दुराचार की, वो महिला हो रही है। आज सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो महिला हो रही है। आज अखबार उठा के पढ़ो, कहीं ना कहीं एक ना एक पन्ने पे किसी न किसी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, अत्याचार हो रहा है। तो ये जो NGO है उसके विपरीत कार्य करेगा, अन्याय, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करेगा।